नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा की पढ़ाई करने जा रहे हैं। देखिए, पिछले दो तासिकाओं से हमने जन्मदिन इस पाठ को शुरुआत की है, बराबर। ये जो जन्मदिन पाठ है, इस पाठ में पहले वीडियो में हमने क्या देखा? ये जो बबलू है, यह बहुत ही शरारती लड़का है। उसे पानी, बिजली, इन ऊर्जाओं का महत्व पता ही नहीं है। इसी कारण वो जरूरत से ज्यादा इनका उपयोग करता है। अब माता पिता उसे समझाते हैं, अध्यापक वगैरह उसे समझाता है, लेकिन वह है कि समझ ही नहीं पा रहा है। देखिए उसकी हालत क्या हो गई है। वह अपने माता पिता के साथ शीला मौसी के घर उनकी बेटी पूजा का जन्मदिन है और इसी अवसर खाने के लिए गया हुआ है। वहां पर पूरी तरफ सन्नाटा देखकर वह चकित होता है, लेकिन बाद में जन्मदिन होने के बाद जब वे खाना खाने के लिए बैठते हैं, तब बबलू को बहुत जोर से क्या लगी हुई है? प्यास। वह प्यास से तरसने लगा है, लेकिन मेज पर देखता है कि वहां पर जो गिलास पानी से भर करके हुए हैं, वे आधे ही हैं। उसमें से वो एक गिलास लेता है और एक ही घूंट में पी जाता है। लेकिन जैसे ही वह पानी पीता है, वैसे ही उसकी प्यास की आग और भी भड़क उठती है। हाँ, पानी और मिल जाएगा, अभी मिलेगा, ऐसा सोचकर वह दो तीन कौर और रोटी खाता है। लेकिन जैसे ही दो तीन कौर रोटी उसके पेट में जाती है, वैसे ही उसकी प्यास और बढ़ उठती है। अब देखिए आगे क्या होता है। पन्ना नंबर 20 अंतिम परिच्छेद हम देख रहे हैं। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ। अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। देखिए शीला मौसी ने क्या कहा है। क्या कहे बच्चों? आज ही हमारे पानी की टंकी की सफाई हो रही है, इसी कारण उसे खाली करना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। मैं आज पड़ोस में किसी के पास पीने का पानी मिलता है कि नहीं, यह देख कर आती हूँ और लाती ही हूँ। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। देखिए ये जो शीला मौसी ने आश्वासन दिया है, मतलब शाश्वतता दिखाई है पानी मिलने की, इससे उसे कोई राहत नहीं मिली। राहत मतलब चैन, दिल को चैन मिलना। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा, खाने का एक कौर और भी गले से नीचे उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा व्याकुल होना। देखिए उसे इतनी प्यास लगी है कि वह अब एक कौर भी खा नहीं सकता। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। देखिए आमतौर पर क्या होता है, ये जो बबलू है यह ढेर सारा पानी बर्बाद करता है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वह प्यास से छटपटाने लगा है, पानी पानी ऐसा कह रहा है। लेकिन हमेशा क्या होता है, पानी जो है पानी को बबलू ही बर्बाद करता है। अब ये जो पानी है उसका मूल्य उसकी समझ में आने लगा है। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भर कर बदला जो लेना था, अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। देखिए अब क्या हुआ है, ये जो पानी है, लगता है कि पानी बबलू से बदला ले रहा है। हमेशा वह उसे ऊंडेलता रहता है, उसे बर्बाद करता रहता है। आज वह
मिलते पानी ही उसका बदला ले रहा है। ये देख ले बच्चे, मेरे बगैर तुम्हारी हालत कैसी हो रही है। अब देखिए बच्चों, सिर्फ बबलू ही नहीं, बाकी के बच्चों की भी यही हालत हो रही है। तभी एक चमत्कार हो गया, अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा, सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। देखिए अचानक एकाएक क्या हुआ है, क्या हुआ, बिजली आ गई है ना। ये जो दिए हैं ये सभी जल गए, सभी ओर रोशनी फैल गई, ये जो पंखे हैं, कूलर है वे भी शुरू हो गए, और सभी बच्चे आनंद से बहुत खुशी से चिल्लाने लगे। मगर बिजली आने पर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी, एकाएक बिजली आई, ये जो अंधकार है वो मिट गया, सभी ओर रोशनी फैली, गर्म जो हो रहा था वह बंद हो गया क्योंकि पंखा और कूलर शुरू हो गए। सभी खुश हुए, लेकिन बिजली आने से हमारी प्यास बुझ सकती है, नहीं, पानी पीने के सिवा हम हमारी प्यास को बुझा नहीं पाते। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद आया, वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। देखिए तभी बीच में अंकल क्या बोले कि अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। मतलब पानी भी घर में मौजूद है, आस पड़ोस में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है, रोशनी मतलब बिजली नहीं थी इसी कारण बच्चे परेशान थे, अब बिजली आ गई है, रोशनी सभी ओर फैली हुई है, ऐसे पंखे हैं, कूलर है वो भी शुरू हुए, इसी कारण गर्मी मिट गई है, और दूसरे बड़े कूलर में जो पानी है अब वह पानी पीने से उनकी प्यास भी बुझ जाएगी, है ना खुशी की बात। आगे देखिए, अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया, कमरा ठंडी हवा से भर गया, बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। देखिए एकाएक पूरा माहौल ही बदल गया, कमरे का जो माहौल था अंधेरा था, गर्मी से सभी परेशान थे, पानी नहीं मिल रहा था, वो माहौल ही बदल गया, बिजली आई, रोशनी हुई, पंखे कूलर शुरू हुए, साथ ही साथ ठंडा ठंडा पानी भी मिल गया, सभी एक साथ भोजन करने लगे, बिल्कुल स्वाद से, बिल्कुल चाव से, बहुत ही रुचकर यह भोजन था, और बड़े चाव से सभी उसे खाने लगे हैं। बबलू की तो पांचे खिल गई, पांचे खिलना बहुत प्रसन्न होना, मुहावरा है पांचे खिलना प्रसन्न होना। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए, इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाए। देखिए जन्मदिन हुआ, अब भोजन भी खत्म हुआ, अब सभी अपने अपने घर जाने लगे। जाने से पहले बबलू की माँ और शीला मौसी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराई, लेकिन क्यों मुस्कुराई यह बबलू को पता ही नहीं चला। क्या हुआ है देखिए, घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा, बबलू कुछ नहीं बोला। घर जाने के बाद क्या हुआ देखिए, बबलू में किस तरह से बदलाव आया है। घर जाने के बाद बबलू कुछ सोच में पड़ा हुआ है, वो कुछ सोच रहा है, विचार कर रहा है, बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। देखिए वो सोच रहा है, शीला मौसी के घर में जो भी घटित हुआ वह घटना वह प्रसंग उसके आंखों के सामने घूम रहा है। अपने आंगन की गौरैया के प्यास से चोट, बाहर सड़क के नाने में जीप निकाले हांफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। देखिए अब उसके सामने क्या क्या आने लगा है, अपने आंगन
गौरैया, गौरैया मतलब चिड़िया, गौरैया चिड़िया, वह प्यास लगी है इसी कारण उसकी जो चोंच है वह खुली है, प्यास से खुली है और प्यास लगी है इसी कारण वह चोंच खुलकर पानी पीने की कोशिश कर रही है। वह उसने देखा पास सड़क के नाले में जीप निकाले हम तो हुआ टॉमी, टॉमी मतलब कुत्ता। बाहर सड़क पर गर्मी के कारण उसे भी प्यास लगी है, वह हांफना, हांफना मतलब सांस खुलना, सांस खुलती है तब हम हांफने लगते हैं ना। ये जो हमता हुआ कुत्ता है उसे भी पानी की जरूरत है लेकिन उसे भी पानी नहीं मिल रहा है। सिर्फ चिड़िया और टॉमी की ऐसी हालत है बच्चों? नहीं, अब बबलू की भी हालत वैसी ही हो गई है। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता गला, किसका, उसका मतलब किसका, बबलू का। पंखा खुला जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, पसीना मतलब स्वेट, पसीना आपको पता है बहुत कुछ। नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, सोचने लगा है वह। एक ही घटना से देखिए उसकी किस तरह से आंखें खुल गई हैं। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे, तब न रखे। देखिए ये जो बबलू है इसमें कितना परिवर्तन हो गया है। जब उसे प्यास लगी, प्यास से जब वह तड़पने लगा तब वह दूसरों की सोचने लगा। वह माँ से कहता है, माँ कल मैं क्या करूंगा, एक बर्तन में पानी भर कर बाहर रखूंगा, किस लिए, गौरैया के लिए। माँ कहती है, अरे तुम इतना पानी बर्बाद करते हो, तुम्हारे हाथ से बचने के बाद ही हम वहां पर रखेंगे ना। आगे देखिए क्या, माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भर कर बोला। देखिए कितना अच्छा परिणाम हो गया, अब वो बिल्कुल आत्मविश्वास से कह रहा है कि माँ आज के बाद मैं पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करूंगा और पानी की एक बूंद बर्बाद नहीं होगी, उसने आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि सीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। मतलब सीला मौसी और बबलू के माता पिताओं ने मिलकर यह बबलू को सबक सिखाने के लिए सिर्फ नाटक रचा हुआ था। उसे सबक सिखाने के लिए माने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। देखिए माने क्या किया था, उसके घर चलने से पहले ही उसे फोन पर बताया था कि बबलू की यह जो आदत है यह हम छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन बबलू है कि सुधर ही नहीं रहा है और उसे ये जो सुधरने का वादा है यह किसने किया है, शीला मौसी ने। उसने क्या दिया है, भरोसा, किसे दिया है, बबलू की माँ को, मतलब विश्वास दिलाया है। माने चलने से पहले शीला मौसी को फोन कर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। शीला मौसी ने ऐसा नाटक किया मतलब बिजली की कटौती, पानी की टंकी साफ करना, ये जो नाटक है इतना बखूबी किया कि वह कामयाब ही रहा और बबलू के बर्ताव में पूरी तरह से परिवर्तन आ गया, कामयाब रहना, सफल होना। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अणमोल है, अणमोल जिसका मोल गिना नहीं जा सकता, मतलब बहुत ही अमूल्य, इसे भविष्य के लिए बचत कर रखो। देखिए इस घटना से क्या हुआ है, वह पानी का महत्व समझ गया है। एक बूंद पानी अगर हमें समय पर नहीं मिलता तो हमारी क्या हालत होती है, यह बबलू बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया। बिजली के बिना हम कितनी देर तक रह सकते हैं यह भी वह समझ गया। बच्चों इसी तरह से हमें भी एक जो ऊर्जा है, चाहे पानी हो या बिजली हो, है ना, उसे संभालना।
जानकर ही उपयोग में लाना है। बराबर। तो अगर आपको बबलू जैसी आदत है तो आप भी जरूर अपने बर्ताव में परिवर्तन कीजिए, क्योंकि ये जो पानी है, पानी मतलब हमारा जीवन है। अगर जल ही नहीं रहेगा तो कल नहीं होगा। इसी कारण बच्चों ध्यान में रखिएगा कि जल ही जीवन है और हम इस पानी की एक एक बूंद का उपयोग बिल्कुल ही अच्छे तरीके से करेंगे, उसका कुछ ना कुछ उपयोग करके ही रहेंगे। समझ गए बच्चों? तो हम भी सभी को विश्वास दिलाएंगे कि ये जो ऊर्जा है, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो, उसका अच्छे तरीके से ही उपयोग करेंगे। समझ गए बच्चों? अब देखिए अगली तासिका को हम इसका स्वाध्याय